हाय, मैं हूँ निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आदाब, मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए, मजा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चापा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, क्रशर व्यवसायी को लिया निशाने पर, दो मंजिला इमारत किया सील, संपत्ति भी किया गया कुर्क। पुलिस की नजर अब बस स्टैंड की तरफ घूमी, आवारागर्दी और आपराधिक रोकथाम के लिए तैयार हो रही बदमाशों की फेहरिस्त, मिशन सिक्योर सिटी के बढ़ते कदम। और कोरिया में सामने आया हत्या का चौंका देने वाला मामला, नाती ने अपनी ही दादी को उतारा मौत के घाट, सही परवरिश नहीं करने की वजह से कर दी हत्या, पुलिस ने हत्यारे नाती को किया गिरफ्तार। आयकर विभाग की टीम ने 40 लाख का टैक्स जमा नहीं करने पर जांजगीर के क्रशर व्यवसायी सावित्री मित्तल और उनके पति महेंद्र मित्तल की संपत्ति की कुर्क कर ली है। आयकर विभाग की टीम ने जांजगीर नहर पुल के करीब स्थित दो मंजिला आलिशान मकान को सील करते हुए जब्त कर लिया है। इस मामले में आयकर अधिकारी अनिल बोकाड़े ने बताया कि क्रशर व्यवसायी सावित्री मित्तल पति महेंद्र मित्तल को इनकम टैक्स पटाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया था। टैक्स जमा नहीं करने पर अधिकारियों की टीम उनके नहर पुल के पास स्थित आलिशान दो मंजिला मकान के पास पहुंची। पहले उनके मकान को सील किया गया, इसके बाद ढोल ताशा पीटकर अधिकारियों ने पहले मुनादी कराई और कुर्की करने की कार्रवाई की। आयकर अधिकारियों ने बताया कि सावित्री मित्तल पति महेंद्र मित्तल का वर्ष 2013-14 से संपत्ति का तकरीबन 36 लाख का टैक्स बकाया था। अब तक ब्याज की राशि मिलाकर 40 लाख का टैक्स जमा करना था। कई बार नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर आयकर विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। हमारे एक डिफाल्टर एसीसी श्रीमती सावित्री देवी मित्तल, इनके द्वारा आयकर विभाग का कुल टैक्स करीब 40 लाख बकाया था, जो कि इन्होंने पटाया नहीं। इनको इस टैक्स को पटाने के लिए कई बार नोटिस समन जारी किए गए, निर्धारित के द्वारा कई नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया एवं समय लेने के पश्चात भी कई बार इन्होंने टैक्स पटाने में असफल रहे। प्रकरण जब करवसूली अधिकारी बिलासपुर के पास ट्रांसफर हुआ तो करवसूली अधिकारी बिलासपुर के द्वारा भी निर्धारित को यथोचित समय दिया गया, नोटिस दिया गया एवं उन्हें टैक्स पटाने हेतु कहा गया, किंतु करदाता के द्वारा प्रॉपरली नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया और जब किया गया तो भी उन्होंने टैक्स आज तक कुछ भी नहीं पटाया। इसी वजह से कर वसूल अधिकारी द्वारा आगामी कार्रवाई करते हुए जांजगीर चांपा मुख्य नहर के आगे स्थित इनकी एक व्यावसायिक सहरहवासी परिसर को कुर्क किए जाने की कार्रवाई आज की गई। आगे की प्रक्रिया है कि निर्धारित अगर टैक्स जमा नहीं करता है इसके पश्चात भी, तो भविष्य में आयकर विभाग इनकी कुर्क की गई संपत्ति को बेचकर टैक्स की राशि वसूल कर सकता है। आपको बता दें कि जांजगीर में आयकर विभाग की पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। बकायदा आयकर विभाग की टीम ने ढोल ताशे के साथ मौके पर पहुंची थी, इसके बाद ढोल ताशा पीटकर अधिकारियों ने पहले मुनादी कराई और कुर्की करने की कार्रवाई की। पार्षद त्रिवेणी डहरे ने बोईर दादर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित राशन दुकान को विनोबा नगर में संचालित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही। जहां मौके पर उपस्थित एसडीएम जयसवाल ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस मामले को कलेक्टर महोदय के आने पर उनके संज्ञान में लाया जाएगा और समस्या का निराकरण जल्द से जल्द होगा।
वार्ड क्रमांक 24 की पार्षद श्रीमती त्रिवेदी डहरे का कहना है कि उनके वार्ड में 500 राशन कार्ड धारी हैं। पूर्व में राशन दुकान विनोबा नगर में ही संचालित हो रही थी, पर किसी ने राशन दुकान सही तरीके से संचालित नहीं होने की शिकायत खाद्य विभाग में कर दी, जिस पर विभाग ने उक्त राशन दुकान का संचालन पहाड़ मंदिर के पास कौहा कूड़ा में करना शुरू करवा दिया, जिससे वार्डवासियों को वहां तक पहुंचने के लिए और वहां से राशन लेकर आने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। श्रीमती त्रिवेदी डहरे ने यह भी बताया कि इस दौरान वार्डवासियों को रेलवे क्रॉसिंग का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उनकी जान पर बनाती है और कभी भी कोई हादसा होने का अंदेशा भी बना रहता है। इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन देकर इस मामले की जानकारी शासन को दी गई थी, पर उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM भागवत जायसवाल ने कहा कि बुजुर्गों व महिलाओं सहित पूरे वार्डवासियों जो राशन लेने पहाड़ मंदिर के पास कौहा कूड़ा में स्थित राशन दुकान में रेलवे की पटरियों को क्रॉस करके जाते हैं, जहां पर उनके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यह मामला बहुत ही गंभीर है। चावल ले पर तुमन बारी दूरिया में जाते हैं, बाबा 100 रुपया दे के आथन और जाथन बूढ़ी बूढ़ा मन ए दे हम ई करल में हफर गे हो लट पटा हो यदि चले ऑटो में आए हो सुने तुमन ला परेशानी होते दूरिया ले लाए में हाँ। कहां जा तुमन पास में चावल हमर स्कूल में देवा जाए वैर दादर की और विनोवा नगर के जमीन है वैर दादर के न है और हमारे को पहाड़ मंदिर में जो पहाड़ मंदिर में कर दिए हैं राशन को तो हम लोग RTI कॉलोनी में हम लोग वहीं पर किया जाए तो क्या दिक्कत होती है हमको बहुत दिक्कत होती है। रिक्शा यहाँ से कॉलोनी से आती हूँ ऑटो ले कर रिक्शा करके जाती हूँ तो 100 रुपया करीब ले लेते हैं फिर ऑटो में राशन ले कर जाती हूँ तो भी मेरे को 100 रुपया 50 रुपया करीब ले लेते हैं इसी से हम नहीं सकेंगे कुछ आने जाने में भी दिक्कत हाँ आने जाने में भी पूरा पैर में हाथ में शरीर में दर्द रहता है मैं नहीं सकूँगी। हम लोग विनोबा नगर वार्ड नंबर 24 से आए हैं। हमारे विनोबा नगर में 500 से अधिक कार्डधारी हैं और ये मतलब चुनाव के पहले एक नियम आया था जिसके तहत पहले हम लोग को पहाड़ मंदिर में चावल दिया जाता था तो बहुत तकलीफ होता था तो एक नियम आया था तो उसको बोलकर हम लोग विनोबा नगर बोरदादरी स्कूल सामुदायिक भवन है वहाँ करवाए थे मगर मात्र मतलब 2-3 महीना होने के बाद हमारे राशन दुकान से अगला व्यक्ति को आपत्ति हो गया और दूसरे व्यक्ति से मतलब शिकायत करवा दिए और हमारे जो विनोबा नगर का जो दुकान संचालित है बोरदादर सामुदायिक भवन स्कूल में उसको स्थानांतरित कर मतलब पहाड़ मंदिर में कर दिए हैं तो हमारे मोहल्लेवासी को मतलब बहुत प्रॉब्लम है। एक तो रेलवे क्रॉसिंग करके जाते हैं नहीं तो मतलब चक्रधर नगर से मतलब ऑटो रिक्शा में जाते हैं तो जितना का हमको चावल नहीं मिलता है उतना हम ऑटो का खर्चा देते हैं और वहाँ जाने के बाद कभी दुकान बंद भी रहता है कभी खुला रहता है जैसे बरसात में गए तो वहाँ कहीं पर ठहरने का व्यवस्था नहीं है जो पानी से बच सके। गर्मी में जाते हैं तो कहीं पर एक गिलास पानी पीने का भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो हमारे मोहल्लेवासी को आपत्ति है। और कितने की संख्या में महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं? इस समस्या से लगभग मतलब 500 से अधिक महिलाएं हैं। इसमें मतलब बहुत जने बुजुर्ग हैं जिसका बिना फिंगर का मतलब उसको चावल नहीं दिया जाता है तो उनको और ज़्यादा तकलीफ है। एक राशन दुकान संचालन के स्थान के ऊपर कई गाँव वाले आए हुए हैं नगरवासी लोग तो हम प्रशासन की ओर से उनको सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हम उनकी समस्याओं को गंभीरता से भी लेंगे और यथासंभव और उनके सुविधा अनुसार जहां पर उनको राशन लेने में कोई दिक्कत ना हो उसका भी प्रबंध हम करेंगे। ज़्यादातर बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत सामने करना पड़ा जिस तरीके से आपने बातचीत भी की उन लोगों से हाँ तो एक लगता है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। नहीं बिल्कुल ये एक चूँकि राशन सबका अधिकार है और उनके अधिकारों में अगर दूरी अगर या भौतिक दूरी जो अगर कारण बनती है प्रशासन जल्दी से जल्दी उसमें निराकरण करेगी। पुलिस के मिशन सिक्योर के तहत कुछ दिनों पहले जिले के SP GS मीणा की अगुवाई में पुलिस ने बदमाश और आपराधिक किस्म के लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। पुलिस के इस एक्शन से करीब 40 से ज्यादा वारंटी सलाखों के पीछे भी पहुंचे थे। इसी तर्ज पर अब पुलिस ने बस स्टैंड जैसे पब्लिक प्लेस पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली है। जी हाँ, पुलिस अब बस स्टैंड के आसपास मंडराने वाले मुजरिमों और संदिग्धों की गहन जाँच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अपने मिशन को अंजाम देते हुए बस स्टैंड के आसपास के दुकानदार, निजी और सिटी बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और यहां तक कि फेरी वालों की भी फेहरिस्त तैयार कर रही है। बस यातायात महासंघ के जिला प्रमुख ब्रजेश पांडे ने हमारे रिपोर्टर से इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत की और इस पूरी गहन पड़ताल के पीछे पुलिस के मकसद को जानने का प्रयास किया।
जाहिर है जिले के नए एसपी के इस अंदाज से बदमाशों के हौसले पस्त हैं। आए दिन जो है तो मार्गों में दुर्घटना भी हो जाती है, शहर में कभी कभी चोरियां भी होती हैं, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसीलिए माननीय जो है पुलिस अधीक्षक महोदय जी सभी का, बस के ड्राइवर कंडक्टर चालक परिचालक जो एजेंट लोग हैं सबका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, साथ ही साथ जो कोरबा जिले में जो दुकानें हैं बस स्टैंड में या दुकान वाले हैं कोई भी है उनका वेरिफिकेशन हो रहा है कि वास्तव में आदमी सही है या गलत है। उसमें राज्य शासन जो है तो आधार कार्ड लेकर के फोटो लेकर के वेरिफिकेशन कराएगी, जिसमें क्या है कि कम से कम जो है मतलब क्राइम की रोकथाम के लिए ही सब किया जा रहा है। ब्रिजेश पांडे ने बताया कि बस यातायात महासंघ पुलिस के जवानों का इस काम में आगे बढ़कर मदद कर रहा है। वह उन्हें ड्राइवर और कंडक्टर से जुड़ी हर बारी की जानकारी मुहैया तो करा ही रहा है, साथ ही संदिग्धों पर भी नजर जमाए हुए हैं। संघ भरपूर सहयोग कर रहा है, संघ जो है तो सबको दे रहा है, ड्राइवर कंडक्टर अपना चालक परिचालक सभी का दे रहा है, एजेंटों का दे रहा है, और संघ तो सहयोग करता रहा है, सहयोग करता रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे शहर में कोई भी क्राइम हो। अपराध की रोकथाम और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस के इस पहल की जमकर प्रशंसा हो रही है। शहरवासी इससे जहां खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं, तो वही नए एसपी के काम करने के तरीके भी उन्हें काफी रास आ रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस की यह नई कोशिश कितना कारगर साबित होती है। जांजगीर चांपा जिले में शासकीय मर्यादित किसान राइस मिल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले 3 महीने से मानदेय के लिए भटक रहे हैं। कर्मचारी लगातार मानदेय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर इन्हें आश्वासन देकर चलता कर दिया जाता है। आखिरकार आर्थिक रूप से परेशान कर्मचारियों ने आज काम बंद कर आंदोलन शुरू कर दिया और अपने मेहनताना के लिए आवाज बुलंद करने लगे। गौरतलब है कि सेवा सहकारी मर्यादित किसान राइस मिल में ठेकेदारी के अंदर 130 चतुर्थ वर्ग कर्मचारी रखे गए हैं, जिनसे अलग अलग तरह के काम लिए जाते हैं। इन कर्मियों को अक्टूबर माह के बाद से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है। इस मामले को लेकर आंदोलन पर उतरने के बाद अब अधिकारी पहल की बात कह रहे हैं। यह है कि हम लोग यहाँ धान मंडी में काम करते हैं और दिसंबर 15 तारीख से शुरू किए हैं और अभी तक का पेमेंट का कोई अता पता नहीं है। अधिकारी लोग तो पल्ला झाड़ लेते हैं, कोई सामने में आता ही नहीं है। दिसंबर महीना का रुका है, जनवरी का रुका है, अभी फरवरी निकलने को है, तो घर का रोजी रोटी की समस्या है सर, अभी तक मिल नहीं रहा है। और अधिकारी लोग से संपर्क करने पर पता चलता है कि उन लोग तो कहीं बाहर चले गए हैं, कोई आता भी नहीं है यहाँ। तो हम लोग को वेतन तो मिलना चाहिए और अभी तक बंद कर दिए हैं, 2-3 बार और बंद कर दिए थे जिसमें कोई एक्शन ही नहीं हुआ, और बोल रहे थे कि 3 दिन मिल जाएगा, 4 दिन मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और अभी तक उन लोग को खबर हो गया है, लेकिन अभी तक उन लोग यहाँ पर आए नहीं हैं। हम काम करत हन ना, वो का के थे सब बहुत हम तगड़ा काम करत हन, हमें कम रोजी देती, 2 महीना होगी तक घनी पाए देमो नहीं आए हैं, दस्तखत नहीं दे है के कहा थे, तब हम का कर अब कर्मचारी मन कहा थे। समस्या है भैया कि हम दिसंबर माह से काम करत हन, हमें अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिले है। हमारे अधिकारी पटेल जी है जला बोलते हैं तो कहते कि ठेकेदार हो गए हैं, ठेकेदार बना ही पेमेंट कहते, तो हम दुविधा पड़े हैं कि कैसे करें हमन करके, वो कल हम आज काम बंद करें हैं, तभी अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं दिखाते हमन ला, तो हमन के कम से कम पेमेंट हमन ला मैंने दिलासा दिए जाए कि ये दिन तक तुमन के पेमेंट बन जाए तभी काम चालू हुई, नहीं तो काम बंद रही। हर दिसंबर और जनवरी का इनका पेमेंट नहीं हो पाया था, ठेकेदार द्वारा पेमेंट नहीं दिया गया था, इसलिए वो हुआ है। और 2 महीने का पेमेंट अभी हम लोग बिल पुट अप कर दिए हैं डीएमओ ऑफिस से, डीएमओ साहब अभी छुट्टी पर हैं ऐसा बताया गया है साहू साहब के द्वारा, और डीएमओ साहब आएंगे तो इनका बिल पेमेंट हो जाएगा, इसलिए ये लोग हड़ताल किए थे। अभी काम से किसी को भी नहीं निकाला गया है, न अभी ऐसी कोई मंशा है हम लोगों की कि काम से निकाला जाए करके, अभी तक किसी को भी काम से नहीं निकाला गया है। जमीन विवाद में अपने बड़े भाई की हत्या करने वाले 2 भाइयों को मालखरौदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरी डी के रहने वाले मूलचंद यादव का अपने 2 छोटे भाई पीताम्बर यादव और सितंबर यादव से विवाद लंबे समय से चल रहा था। जमीन संबंधी विवाद को लेकर 12 फरवरी की रात तीनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
उसके शव को बिस्तर पर सुलाकर दोनों भाई मौके से फरार हो गए। पड़ोसियों ने डायल 112 को सूचना दिया। डायल 112 के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरी डी में मृतक मूलचंद यादव का शव उसके घर के बिस्तर पर पड़ा है, जिससे पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को इस बात का खुलासा हुआ कि तीनों भाइयों के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा था और इसी विवाद में दोनों भाइयों ने मूलचंद यादव की हत्या की। पुलिस ने दोनों भाई पीताम्बर यादव और सितंबर यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना मालखुर्दा क्षेत्र का मामला है। थाना मालखुर्दा में बीती रात डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम डोंगरीडीह में एक व्यक्ति की मृत शरीर पड़ा हुआ है बोर्ड से, जिस पर से थाने की टीम भी मौके पर गई। देखे तो मूलचंद यादव निवासी डोंगरीडीह का शव वहाँ पड़ा हुआ था और सर में कुछ चोट के निशान भी थे, जिस पर से मर्ग कायम कर डेड बॉडी को पीएम तो हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा शॉर्ट पीएम में बताया गया कि सिर में आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई बोल के, और मृत्यु की परिस्थितियों को देखते हुए और अंतिम उसके साथ उसके दो भाई भी थे बताए जा रहे थे, तथा पतासाजी करने में पता चला कि बीती रात तीनों भाइयों के बीच में जमीन संबंधी कुछ विवाद भी चल रहा था और उनके भाइयों द्वारा ही उनकी हत्या की गई, जिस पर से उसके अन्य दोनों भाइयों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर से उन्होंने जमीन संबंधी विवाद होने पर से अपने भाई की हत्या करना स्वीकार किया, जिस पर से थाना मालखरदा में 302/34 भादवी का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खरसिया की सड़कें इन दिनों जानलेवा साबित हो रही है। भारी वाहनों का इन सड़कों पर ऐसा दबदबा है कि हर दिन छोटे बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। बात करें नए मामले की तो रायगढ़ चौक पर फिर एक ट्रेलर ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क हादसे में एक शख्स ने दम तोड़ दिया। रोहित के साथ दो बच्चे भी बाइक पर सवार थे, जो इस हादसे की जद में आकर गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं। इस दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मरने वाले के परिवार को बतौर मुआवजा 25 लाख रुपए की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। यातायात ठप होने की सूचना जैसे ही थाना प्रभारी और इलाके के तहसीलदार को मिली, वह सदल बल मौके के लिए रवाना हो गए। प्रशासन गुस्साए लोगों को शांत कराने में जुटा रहा और फिर काफी मशक्कत के बाद आवागमन बहाल हो सका। जांजगीर जिला रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप लगा, जहां नौकरी की आस में दूर दूर से बेरोजगार पहुंचे। निजी संस्थानों ने आवेदन के साथ बेरोजगारों का साक्षात्कार लिया। जिले में बेरोजगारी का आलम यह है कि किसी भी तरह की वैकेंसी निकलने पर बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसा ही नजारा जांजगीर के रोजगार कार्यालय परिसर में लगे प्लेसमेंट कैंप में देखने को मिला। नौकरी की आस में पहुंचे बेरोजगारों का कहना है कि बेरोजगारी के दौर में कोई भी काम मिल जाए, इसलिए प्लेसमेंट कैंप में पहुंचे हैं। यहां वैकेंसी देखकर भरने आए सर के, हम लोगों के लायक जो वैकेंसी होगा उसके प्राइवेट तो सेक्टर है, जो रोजगार कैंप लगाए हैं उसमें जो भी पद मिलेगा अपनी योग्यता के साथ वो पद को भरने के लिए आए हैं। पंजीयन करा के 2000 में पंजीयन कराए हैं और आज तक हमें कोई प्रकार की रोजगार जॉब नहीं मिला है गवर्नमेंट से। हमने साक्षरता प्रेरक में भी प्रेरक का काम किया है, क्योंकि गवर्नमेंट आज हम लोगों को मार्च 2018 में निकाल दिया है 10-12 साल सर्विस करने के बाद। अब हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं, तो अब प्राइवेट कहीं मुँह देख रहे हैं, बस यही है हम लोगों को। रोजगार कार्यालय द्वारा जांजगीर ज़िले के युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र से कुछ कंपनियाँ आई हुई हैं, जो प्लेसमेंट कैंप के द्वारा हम जांजगीर ज़िले के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में काम दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कंपनियां आई हुई हैं, लोगों से आवेदन भरवाया जा रहा है। ये उनकी प्रारंभिक चरण है, जिसमें वो फॉर्म भरवाने के पश्चात उनका चयन करेंगे तथा उनकी कौशल परीक्षा लेने के बाद में कंपनी के द्वारा इन बेरोजगारों को अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। रायगढ़ में लायनेस क्लब मिड टाउन द्वारा इस वर्ष भी मातृपितृ दिवस मनाया गया और लगभग 30 बुजुर्गों का आरती करते हुए उनका श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में लायनेस क्लब मिड टाउन के सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। अध्यक्ष लता अग्रवाल ने बताया कि हिंदू धर्म में माता पिता को उच्च दर्जा प्राप्त है, इसलिए हमारे द्वारा 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुसरण कर रही युवा पीढ़ी भारतीय परंपराओं और आदर्शों से विमुख होती जा रही है। श्रीमती लता अग्रवाल ने यह भी आग्रह किया है कि लोग 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस मनाएं। आज यहां पर मातृपितृ जो दिवस सम्मेलन है उसको उस समारोह में शरीक होने आए हैं और ये जानकर देखकर बहुत खुशी हुई। बच्चे जहाँ
महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग हैं, वहाँ अपने बुजुर्गों के आदर सत्कार में भी पीछे नहीं है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय संस्कृति का ये रूप जो है, इसे देखकर बहुत खुशी हुई है। और इन्हीं हमारी शुभकामना है कि ऐसे ही ये अपने बुजुर्गों का सम्मान करते रहे। बहुत अच्छा लगा, मैं लाइनर्स क्लब मिड टाउन से आई हूँ। एकता जी ने बुलाया है, मैं पहली बार आई हूँ ये प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सम्मान किया हमारा और बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा ऐसे आयोजन होते रहे और हमको बुलाते रहे, वही आशा है। और आप लोग का आशीर्वाद हमको मिलता रहे और आप लोग का आशीर्वाद करने का यही मतलब था कि मतलब जो हमको मिलता रहे आशीर्वाद और सब बड़ों का आशीर्वाद इनको मिले। आज 14 फरवरी मातृपितृ दिवस के दिन हमने लगभग 30-35 बुजुर्गों का सम्मान किया है। बुजुर्ग कहना तो गलत हो जाएगा, माता पिता का सम्मान किया है। यहाँ हमारे खुद के माता पिता के अलावा भी, हमारे मेंबर्स के माता पिता के अलावा भी, बाहर से भी गेस्ट हमने बुलाया था। क्योंकि माता पिता किसी के पर्टिकुलर नहीं होते, वो माता पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं और सदा पूजनीय है। और हमारी संस्कृति में हम माता पिता के बिना हम कुछ नहीं हैं। आज जो कुछ हैं आज हम माता पिता से ही हैं, इसलिए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमने उनका सम्मान किया और हमें ये अवसर मिला है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी हम करते रहें। हम लोगों ने पिछले साल भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा था कमला नेहरू उद्यान में और इस साल हम यहाँ ग्रैंड मॉल में रखे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे ऐसा प्रोग्राम। और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है ऐसा प्रोग्राम जो खुशी आज। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को आज के दिन में आप इस प्रकार के आयोजन करते रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि मतलब महिलाएं अपने बच्चों को वैसे ही ट्रेनिंग दी ताकि जैसे हम कर रहे हैं संस्कार में माँ बाप मम्मी पापा के जैसे। जिले के खरवत गांव के चेरवा पारा की रहने वाली फूलकुवर को उसके ही नाती ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस हत्या के पीछे जो वजह सामने आई है वह इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। पुलिस को इस मामले में एक नोट हाथ लगा है। इस नोट के मुताबिक यह पूरी जघन्य हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि जान गंवाने वाली दादी अपने हत्यारे नाती की सही ढंग से देखभाल नहीं करती थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि गुरुवार को राजेंद्र कुमार पनिका, जो कि रिश्ते में मृतिका का भतीजा लगता है, उसने चर्चा थाने में इस बात की रिपोर्ट लिखाई है। उसने यह भी बताया कि हत्यारे के संबंध उसकी बुआ से ठीक नहीं थे और इसी बिगड़े रिश्ते की वजह से उसने अपनी ही दादी को मौत के घाट उतार दिया। चेरापारा खरवत का राजेंद्र कुमार पनिका ने कल आके रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके बुआ को वो उसके नाती, जिसको वो अपने देख रेख के लिए 7-8 साल से रखा था, उन्होंने अपने दादी माँ से धान बेचने का बात को लेकर और पैसा नहीं देने के बात को लेकर और काम धाम भी नहीं करता था आरोपी, हमेशा विवाद बना रहता था। तब घटना के दो चार दिन पूर्व उन्होंने मिट्टी का फूलकुंवर सामाजिक बैठक बुलाया और उसमें बोला कि भाई अब तुमको मैं नहीं रख पाऊंगा, तुम अपने पिताजी के साथ चले जाना। इसी बात पर वो रंजिश रख लिया था और दूसरे दिन भी बोला कि तुम इतना दिन तक मेरे को रखे थे, उसका मेरा कमाई को भरना पड़ेगा, ताकि विवाद हुआ था और ये सिलसिला चलता रहा। घटना दिनांक को जब वो आरोपी गया तो खाना उना खाने को बोला तो उस दिन भी वो बोला कि तुम यहाँ अब नहीं रहोगे करके, और इसी रंजिश से वो घर में रखा दाव नमक एक हथियार होता है धारदार, उसे निकाला और सिर में कपार कनपट में मार कर चोट पहुँचा कर हत्या किया है। ये कब की घटना है? ये 13/2/2009 के 8 बजे रात को। बहुत कम समय में पुलिस को सफलता मिली? हाँ जी सर, सूचना मिलने के बाद मैंने 2-3 टीम पुलिस को बुलाया
एक आरोपी के मुख्य गांव डकाईपारा तरफ रवाना किया, दूसरा टीम उसके ससुराल तरफ किया और कुछ टीम हम लोग विवेचना कर रहे थे और चर्चा टीम ने उसको चर्चा टाउन में घूमते हुए पकड़ लिया। परवरिश जैसी अजीबोगरीब वजह से अपने ही खून के रिश्ते के साथ खून की होली खेलने वाले इस मामले से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस इस हत्या के मकसद से पूरी तरह पर्दा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। जिला बलौदा बाजार के कसडोल विधानसभा अंतर्गत ग्राम खैरा का मामला सामने आया है, जहां नदी में लोगों के आने जाने के लिए सरपंच के द्वारा रपटा बनाया गया और उससे अवैध वसूली की जा रही है और साथ ही साथ उनको रसीद भी दिया जा रहा है। रसीद 10, 20, 50 और 100 तक के काटे जा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत खैरा के सरपंच गोरे मनमानी ढंग से वसूली करते नजर आ रहे हैं। वहीं जनपद पंचायत कसडोल सीईओ से बात की तो वह भी अपनी बातों से कतरा रहा है और बाइट देने से इनकार कर दिया। जनपद के कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उस रपटे का ठेका नहीं हुआ है, वहां सिर्फ अवैध वसूली की जा रही है। वहीं रपटे पर बैठे सरपंच के ठेकेदार शाम होते ही महफिल जमाते हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। जहां तक इनकी रपटे की किराए की बात करें तो साइकिल 10 रुपए, मोटरसाइकिल 20 रुपए और भारी वाहनों का 50 से 100 रुपए तक रसीद देकर वसूला जा रहा है। HDFC बैंक के सहयोग से संचालित दिशा परियोजना के सहयोगी संस्था मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के 20वीं वर्षगांठ का आयोजन रायगढ़ के दिशा स्कूल के बच्चों की उपस्थिति में उनके द्वारा लिए जाने वाले प्रगति की शपथ के साथ मनाया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि HDFC बैंक के मैनेजर अरुण श्रीवास्तव और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के राज्य समन्वयक विक्रम पाल थे, जिन्होंने होनहार बच्चों, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और रिसोर्स पर्सन को मैजिक बस के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य हेतु आशीर्वाद प्रदान किया। राजनांदगांव जिले के बरकट्टा साल्हेवारा थाना क्षेत्र के परसाही मंडी खोल जंगल क्षेत्र से नक्सली बम बरामद किया गया। जिला पुलिस बल एसटीएफ और सीएएफ की संयुक्त दल की कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कमलोचन कश्यप के निर्देशन में अभियान को अंजाम दिया गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले 3 माह में हुई सिलसिलेवार आगजनी की घटना का आरोपी और उसका सहयोगी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में तैनात है और प्रेम में असफल होने की वजह से वह इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहा था। आरोपी को पकड़ने में पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज अहम सुराग बना। गौरतलब है कि आरोपी के द्वारा 12 फरवरी को पेट्रोल डालकर पामगढ़ के एक घर में आग लगाने से मां और उसके 2 बच्चों के आग में झुलसने के बाद पुलिसिया जांच तेज हुई थी, जिसके बाद आसपास के पेट्रोल पंप का फुटेज खंगाला गया जिसमें दोनों आरोपियों की पहचान हो सकी। पामगढ़ पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए CF के जवान दुर्गेश पाटले और उसके सहयोगी गोविंद पाटले को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने इसके अलावा 3 अन्य आगजनी की घटना कारित करना भी स्वीकार किया है, जिसमें तकरीबन 8 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई थी। एक सशस्त्र बल के जवान के आरोपी बनने के पीछे की मुख्य वजह असफल प्रेम कहानी है। दरअसल आरोपी दुर्गेश पाटले, जो कि नरियारी का रहने वाला है, एक युवती से प्रेम करता था, मगर लड़की का परिवार जो कि पामगढ़ में रहता है आरोपी दुर्गेश को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से लड़की का परिवार जहां पर भी किराए में रहता वहां आरोपी दुर्गेश आगजनी की घटना को अंजाम देने लगा। इन आगजनी की घटनाओं की वजह से पामगढ़ क्षेत्र के लोग दहशत में जीवन जीने मजबूर थे। वहीं आगजनी की ये घटनाएं पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी थी। उसके पापा बोले नहीं जा रहा मैं बोला इसकी बुआ बेटी का रही थी मामा का रसल कर रहा था मेरे से बोला तो आग क्यों लगाए गाड़ी में
और उसके बाद मतलब उस मम्मी पैसों से दिया था मैं सर, ठीक है, पैसों से दिया था वो सब हुआ। तो बेइज्जती हुई उन लोग का, तो लड़की बोली मम्मी बाबा बेइज्जती कर दी है, तो लड़की बेइज्जती कर दी मम्मी बाबा, इसलिए बात नहीं करूँगा, ऐसा होगा तो मेरे उस समय दिमाग संतुलन से इसलिए मैं गाड़ी भी जाती सर उसको मतलब। लड़का जो है मुल्तान नरियरा निवासी है और अभी लेटेस्ट लगभग एक महीना पहले ही सीएफ में कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन किया है। इनका ग्राम नरियरा निवासी मोहन रात्रे के परिवार के साथ में रंजिश था, इनकी निजी लड़ाई थी। इस रंजिश के वजह से उस मोहन रात्रे के परिवार को टारगेट करने के उद्देश्य से ही लगातार आगजनी की घटना को अंजाम दे रहा था। और उसी परिप्रेक्ष्य में मोहन रात्रे के पड़ोस में रहने वाले वंदना टंडन टारगेट में आ गए। वो उद्देश्य इनका मोहन रात्रे का परिवार था, परंतु उनके पड़ोस के मोहन रात्रे के पड़ोस के वंदना टंडन जो है टारगेट में आ गए हैं। प्रेम संगठन का मामला सामने आ रहा है। मोहन रात्रे की लड़की के साथ में शादी की भी ये मंशा रख रहा था, जो उन लोग शादी से इनकार कर दिए। इसी बात से ये लड़का क्षुब्ध होकर उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की आशा से ही आगजनी की कारित कर रहा था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.